हैदराबाद गैंगरेप और मर्डर मामले को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन हो रहा है। आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग भी उठ रही है। हैदराबाद मामले को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी किया जा रहा है। काली पट्टी बांधकर लोग जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो लगातार मांग उठ रही है कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और ये सजा जल्द दी जाए। जिस तरीके से हमने देखा कि निर्भया कांड के बाद सख्त सजा तो दे दी गई, लेकिन अब एग्जीक्यूशन की कहीं ना कहीं कमी आ रही है। अभी तक फांसी पर नहीं चढ़े हैं दरिंदे। उसी तरीके से अब मांग उठ रही है कि जो आरोपी पकड़े गए हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए और सजा जल्द से जल्द भी दी जाए। ये दो अलग अलग तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, बेंगलुरु की तस्वीर और दिल्ली की तस्वीर। कई राज्यों से इस तरह की तस्वीर जो है वो सामने आ रही है। कहीं कैंडल मार्च निकाला जा रहा है तो कहीं तख्तियां लेके लोग जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ तौर पर फांसी की मांग कर रहे हैं कि दरिंदों को फांसी पर चढ़ाया जाए। देखिए, पार्लियामेंट में सरकार सो रही है। अगर सरकार के अंदर सांसें होती तो उनको फर्क पड़ता कि इस देश की बेटियों के साथ क्या हो रहा है। आज प्रियंका रेड्डी के साथ जो हुआ, 7 साल पहले निर्भया के साथ हुआ, आज तक उनके जो एक्यूज्ड है उनको, दरिंदों को फांसी नहीं मिली। कैसे मान लें कि प्रियंका रेड्डी के जो दरिंदे थे उनको फांसी मिल जाएगी? तो मैं भी 18 की हूँ और जब मैं कॉलेज से घर आती हूँ तो मुझे पता है कैसा अनसेफ फील होता है। मेरे पेरेंट्स फोन करके पूछते हैं, बेटा आप घर पहुँच गए हो सर? तो बार बार उनका कॉल करना, मुझे पता है वो कितना परेशान है। हम अपने घर से इतने दूर है सर, कब तक ये चलेगा? कब तक? आप कुछ भी कर लो सरकार, आपको जो करना है कर लो, बट प्लीज लड़कियों को सेव कर दो।